अदरक लहसुन मस्का इत्यादि चीजों से मिश्रण से। जय दोस्तों, जय महाकाल। जैसे कि आप देख रहे हमारे ब्रह्मचर्य रोजाना व्यायाम और प्राणायाम करने से पहले अग्निहोत्र का हवन किया जाता ताकि वायु शुद्ध हो। वायु के साथ साथ ये लोगों को सनातन धर्म का जितना हो सके उतना ज्ञान मिल सके। तो ये लोग गायत्री मंत्र का जप, मृत्युंजय का मंत्र 108 बार का डेली करते, उसके बाद ही इनकी प्राणायाम व्यायाम शुरू होती। लेकिन आज संडे है तो आज संडे ये लोगों की मालिश होंगी और मालिश का कैसा होगा वो भी बताऊंगा मैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो मालिश, तो दोस्तों मालिश की तैयारी हो रही है। मालिश के लिए सबसे पहले तेल और केला, तिल्ली का तेल केला, और उसके बाद इसमें जाएगा दही मस्का। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम नहीं लेना अपन, इसीलिए इसका बताया नहीं। ये है मस्का और दही, इसके अंदर जाएगा अब शहद। इसमें है ये जा रहा अभी शहद यानी मधु हनी। इसके बाद और दोस्तों ये है घी। ये शटर के अंदर जाते इसके बाद इसमें जाएंगी पपई। ये फलों, ये फल डालने का रीजन इनके जो विटामिन्स रहते, जैसे कि विटामिन ई हो गया पपई के अंदर, केला है, दही है, घी है, हल्दी है, तेल है, शहद है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे स्किन में और मजल में रिलैक्स होगा। अगर आप ये बाहर जाके करा रहे तो 1000 रुपये आपको चार्ज, लेकिन ऑलरेडी ये अपने सनातन धर्म में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मालिश की विधि क्या है। पपई के बाद जाएंगे इसमें दोस्तों हल्दी। ये हल्दी, इससे खास तौर से दोस्तों आपके जो बच्चे हमारे यहाँ आते उससे उनको विटामिन डी, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी मिलेगा। और ये दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन इसकी मात्रा बहुत ही कम ताकि बच्चों को जिंक मिलना। इसके बाद इसका मिश्रण होगा, मिलाओ अच्छे से, मिलाओ माउस को पूरा मैश। दोस्तों ये सारे चीज़ों का मिश्रण बॉडी पे बच्चों के अगर आपके लगा रहे और इनके लगाने के बाद उनको विटामिन डी के लिए धूप में अगर ठहरा कर रहे तो उनके अंदर का आयरन या मल्टीविटामिन जितने भी पोषक तत्व है स्किन के टिश्यू, स्किन के जरिए जाएगा बॉडी के अंदर, जो कि बहुत बेहतरीन और हाइट ग्रो के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़। बच्चों की एज बढ़ने की रहती, उनको अगर सही से पोषण नहीं मिला या सही से व्यायाम वगैरह नहीं हुआ तो उनको कुछ रुकावट आती, लेकिन ये एक बहुत अच्छा जरिया है। इसमें नाभि पे भी लगा सकते, फेस पे लगा सकते और हड्डियों को तो कैल्शियम मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि इसके अंदर अपन दही डाले, घी डाले और हल्दी का तो आपको पता है कीटनाशक है। इसके बाद इससे मालिश होने के बाद में भी ये लोगों को, ये लोग जो अग्निहोत्र करते डेली उसकी भस्म से भी
स्नान, उसके बाद स्नान किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, हमारे ब्रह्मचर्यों की अंगमर्दन, जो मिश्रण हम तैयार किए थे उससे अंगमर्दन चालू हो गया इनका। तेल, हल्दी, घी, शहद, केला, पपई, अदरक, लहसुन, मस्का इत्यादि चीज़ों से, मिश्रण से हर रविवार इनकी अंगमर्दन होती है। और इतना ही नहीं, अंगमर्दन के बाद इनको धूप में भी रखा जाता है ताकि इनकी हड्डियों को अच्छे से अच्छा पोषण मिले और इनकी हाइट जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो। ये ब्रह्मचारियों की एज कोई 12 साल, कोई 10 साल, कोई 13 साल, बस उतनी ही है। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। इनका अंगमर्दन के बाद ये लोगों को जो अग्निहोत्र करते डेली, उसकी भस्म, ये भस्म लगाने के फायदे, इसमें आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी और नीम के पत्ते, चावल, घी, अग्निहोत्र के बाद जो भस्म बची हुई रहती वो भस्म इनके जिस्म पे लगा के इनको धूप में बिठाया जाता ताकि विटामिन डी हड्डियों के लिए और ये बच्चों की हाइट बढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़। आजकल चारकोल प्रोडक्ट बोलकर, यानी कोयला, अलग अलग केमिकल्स में लगा के मिला के बेचा जा रहा प्रोडक्ट, वो चारकोल प्रोडक्ट से तो लाख गुना अपनी अग्निहोत्र, अपनी वैदिक अग्निहोत्र असरदार है, जिससे इनको मल्टीविटामिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिंक मिलेंगे, आयरन मिलेंगे, बॉडी की स्किन को आप खाने के अंदर तो खाते, लेकिन ये लगाने के बाद आपके बच्चों में डेवलपमेंट स्किन में, और स्किन के एलर्जी जितने भी है, स्किन की एलर्जी नहीं होंगी, जितने भी चर्म रोग है इससे उससे दूर होंगे। हाँ, और इसके अंदर और एक चीज़, जो गौ माता के कंडे आते हैं, गौ के ओपिल, वो भी मिला हुआ है इसमें। तो क्षत्रिय प्राणायाम के बाद हर रविवार को ये ब्रह्मचारियों को इस तरह से अंग मर्दन और भस्म मर्दन किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, जय महाकाल।